हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और ये सुबह का टाइम हो और आज बच्चे नहीं जा रहे स्कूल, चल रही है छुट्टी, क्योंकि पेपरों में बीच बीच में छुट्टी पड़ती रहे, किसी दिन 2 दिन की, किसी दिन 3 दिन की। तो आज दोनों की छुट्टी है, कल को हम पेपर दोनों जाएंगे कल को, तो इसलिए आज सोचा कि आज कुछ ऐसा नाश्ता बना दो जो बच्चों को पसंद आ जाओ, क्योंकि भब्बे मी तो दोनों ही कई दिन से कह रहे थे कि ब्रेड पकौड़े खाने हैं हम, तो मैंने सबसे आगे यही बना दी। जिस दिन स्कूल जाऊँ उस दिन तो बहुत देर लगा इस बनाने में, तो इतना टाइम मिलता ही ना सुबह सुबह कि ब्रेड पकौड़े या कोई ऐसी चीज़ बना दूँ मैं, इसलिए बस हल्का फुल्का सा ही नाश्ता बना कर दे दूँ स्कूल को। वैसे भी पेपरों में तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, इसलिए कोई ऐसा हैवी नाश्ता ना बना कर देती, पराठे आलू के पराठे या कुछ चिल्ले वगैरह ऐसे ही बना कर दे देती हूँ। इसलिए सोचा कि आज बना दूँ, आज वैसे भी छुट्टी है, कितना ही टाइम लगा बन जाएंगे अपना छुट्टी वाले दिन, तो कितनी देर लो बना दो, सब सो ही रहे हैं अभी तो उठे भी ना हाँ। इतना मैंने सोचा इतना बना ही लो अपना, सब उठ उठ कर खा लेंगे। घेर का मैं काम करी आई थी, दूध निकाल लाई, दूध निकाल कर अपना चाय बना ली, अब इनकी तैयारी कर रही। आलू मैं पहले से ना रख गई थी चूल्हे पर, क्योंकि चूल्हे पे बन रहा खाना तो चूल्हे पर लेट हो जा, गैस ख़त्म हो रही 2-3 दिन से, इसलिए मुझे चूल्हे पे बनाना पड़ रहा। मैंने सोचा इतना घेर में संग इतना आलू सीज जाएंगे, बस आपका अपना बनाने की तैयारी शुरू कर लूँगी। और ये बेसन हो गया थोड़ा सा पतला, तो कैसे बिंदु बिंदु से निकल रहे हैं ये, पहले सोचा मैंने ना पहले वो गाढ़ा हो गया, इसके पापा कहने लगे इसमें थोड़ा सा पानी और डाल ले, मैंने थोड़ा सा पानी डाला तो पतला हो गया। अब बेसन फिर मैंने डालना नहीं, क्योंकि तो बेसन डाल दी फिर दोबारा मिर्च मसाले डालने पड़ते, इसलिए मैंने पतले से ही बना लिए। पतले के भी बहुत अच्छे लग रहे थे, इतना ज़्यादा ऊपर बेसन बेसन नहीं था, तो अंदर के ब्रेड भी अच्छे से सिक रहे थे और आलू भी अच्छे से सिक गए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे ऐसे भी। तो अब जब बस ये मैंने छोड़ दिए कढ़ाई में, 10-5 मिनट लगेगी बनने में, और भब्बे भी उठ कर आ गया है मुझसे लड़ दिया कि मीत क्या वो तो कुछ बना कर देने, मैं कहूँ तो कुछ बनाती ना है, चाय भी ठंडी ना करके रखे भी मेरी, तो उसकी चाय भी ठंडी करनी पड़ेगी। और क्योंकि तो सोते उठे कुछ चाय चाहिए पहले और कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले पिया चाय, उसके बाद जो कुछ भी खाना पीना बना है वो खाएगा, स्कूल को भी जाएगा तो सबसे पहले उसे सोते उठे कुछ चाय चाहिए, बस कुछ खा कर नहीं जाते स्कूल को भी। हाँ मेरे ब्रेड पकौड़े हो गए हैं तैयार, और भब्बे तो बैठ गया है खाने, क्योंकि भब्बे पहले उठ कर आ गया था, मीत तो भी सोई रहा, उसके पापा भी उठ गए थे, मम्मी गई हैं घेर में को, ये कभी मुझे इधर से दिखा रहा है कभी इधर से दिखा रहा है, मैं शीशे में चमक रही हूँ, ये स्कूटी खड़ी थी, भब्बे खाना बैठ गया। भब्बे से पूछा मैंने कैसे लग रहे हैं, तो भब्बे ने तो कह रहा है कि मम्मी अच्छे लग रहे हैं, और नींबू उम्बू डाल कर खाया है अपना। मैंने रोज़ ऐसे ही बना दे करो, कल को स्कूल को भी ले जाऊँगा मैं, रख दियो मेरे लिए, भाई इतने ना हो कल तक के रख जाए जाएंगे, अच्छे भी ना लगते ऐसे रखे हुए। और यार मम्मी भी खाने में ऐड गई अपना, मम्मी भी खा रही हैं, मम्मी ऐसे तली भुनी चीज़ कम खाओ, थोड़ा बहुत ले लेनी है, बस आधा ही लिया था। और मीत अभी सोए रहा है, इसके पापा भी बैठ गए, ये भी नींबू डाल कर खा रहे हैं, पता ना नींबू क्या अच्छा लगा, मुझे तो नींबू किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता। और मैंने पूछा इनसे कैसे लग रहे हैं, तो पहले तो सारे मगर अच्छे लग रहे हैं, मैंने कहा सही करके बताओ कैसे लग रहा है, और फिर कह रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है बने हुए। और एक मिर्ची भी बनवाई थी, वो वैसी मिर्ची रहा, वो बहुत तेज़ लग रही थी मिर्ची, काट के इतनी तेज़ मिर्ची लग गई। और मीत को कह रही मैं, हाँ मीत के लिए ले जाऊँ, मगर मीत को भी देखता हूँ जिसने बनवाए हैं वो खा नहीं रहा बैठा अपना, उसके लिए उसे वहीं देख आने पड़ेंगे, वो ज़्यादा नखरे आवाज नखरे बहुत दिखा वो खत्ता है, मेरे ला कर रख दिए मैंने, मैं खा ले अब जा, तो देख रहा अभी अभी खाऊंगा खाऊंगा मैं तो रख का अपना, क्योंकि मैंने अभी नहाना, मैंने भी पूजा वूजा भी ना करी थी, इससे क्या था कि तू खा ले, मैं तो जा रही नहाने के लिए, मैं चली गई नहाना अपना, नहाने के बाद पूजा वूजा करने के बाद मैं भी बैठ गई हूँ अपना खाने के लिए, मैंने भी खाए फिर देख के खा कर कैसे लग रहे हैं, सब बढ़िया बता रहे हैं, मैं भी खा कर देख के ठीक बने थे। और खाते खाते वही हो गए, वीडियो करेंगे ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करते हैं, कमेंट में आप लोग बताते नहीं कि वीडियो कैसी बनी है कैसी नहीं बनी, कमेंट कर दिया करो, ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।